अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के निर्माण का काम आखिरी दौर में है। 22 जनवरी को भगवान राम नए बन रहे मंदिर के गर्भगृह में विराजमान होंगे। मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले पूरी अयोध्या को सजाया जा रहा है। इस बीच राम मंदिर को लेकर सियासी बयान भी सामने आ रहे हैं। AIMIM यानी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी का राम मंदिर को लेकर भड़काऊ बयान सामने आया है। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट करते हुए मुस्लिम नौजवानों को अपनी ताकत को बरकरार रखने की अपील की है। उन्होंने नौजवानों से अपील करते हुए कहा है कि वो अपनी ताकत बरकरार रखें और मस्जिदों को आबाद रखें, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है, नौजवानों तुमसे मैं कह रहा हूँ, हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहाँ पर अब क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे और हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती है कि जिस जगह पर हमने 500 साल तक बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। हमारी 3-4 और मस्जिदों को लेकर साजिशें हो रही हैं। अपनी ताकत को बरकरार रखिए, कहीं ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाएं। नौजवानों, मस्जिदों को आबाद रखिए। ओवैसी के इस बयान को लेकर बीजेपी हमलावर है। वो लोग हैं जो क्रिमिनल और कम्युनल करतूत के कारीगर हैं, लेकिन कुछ लोग जब राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कुछ लोगों के प्राण निकल रहे हैं। नहीं, कोई मिसलीड नहीं हो रहा। इस तरह के भय भ्रम पैदा करने का जो इनका दुकान थी, वो अब पूरी तरह से उसमें शटर नीचे चला गया। वहीं VHP नेता विनोद बंसल ने भी ओवैसी पर उनके राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान के लिए उन्हें आड़े हाथों लिया है। जैसे जैसे भगवान श्री राम की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाबरवादी और इस्लामिक कट्टरपंथियों के पैरोकार मुसलमान पार्टी के लोग बराबर मुस्लिम यूथ को भड़काने, बरगलाने और उनको आतंकवाद की राह पर धकेलने का कुत्सित प्रयास करने में जुट गए। अभी जिस तरह से एक बैरिस्टर ने, कहते तो हम अपने आप को बैरिस्टर, और कानून की सबसे ज्यादा धज्जियां उड़ाने का काम भारतीय संविधान या न्याय व्यवस्था या भारतीय न्याय तंत्र का, सर्वोच्च न्यायालय का भी मजाक बनाने वाले ऐसे नेता मुस्लिम यूथ को कहते हैं कि अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अरे भाई, उनको निर्वाद करने का काम किसने किया? क्या आपको लग रहा है कि मस्जिदों में वास्तव में यूथ नहीं जाने लगे? मस्जिदों से मुस्लिम यूथ का मोह भंग होने लग गया है। ओवैसी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की तैयारियां चल रही हैं। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों भगवान राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस समारोह के लिए देश भर में भव्य तरीके से उत्सव मनाने की तैयारी की गई है। राम मंदिर पर ओवैसी के बयान से संत समाज भी बेहद गुस्से में है। सपना देखें ये लोग, ये लोगों के वोट बैंक खिसक रहा है और वो बोल रहा है ओवैसी। बताइए, ओवैसी का तीसरा पीढ़ी उसका हिंदू है, ओवैसी की तीसरे पीढ़ी उसका हिंदू है, उसके बाबा हिंदू हैं, वो बोल रहा है। वो कह रहा है, अरे मुसलमान नौजवानों तैयार हो जाओ, हमारी मस्जिद चली जाएगी, हमारी मस्जिद चली जाएगी, हमारी मस्जिद चली जाएगी। इनका कोई धर्म नहीं है, धर्म केवल हम लोगों का है। हिंदू लड़ते हैं मंदिर के लिए, मुसलमान लड़ते हैं मस्जिद के लिए। अरे उनका भी धर्म बताओ जो मरते हैं सरहद के लिए, उनका भी धर्म बताओ जो मरते हैं सरहद के लिए। हम लोग सरहद हैं, राष्ट्र बचाना चाहते हैं, देश बचाना चाहते हैं, उनकी है। उनसे प्रार्थना है कि जाति संप्रदाय में मत बांटो, दंगा रहने दो। जाति संप्रदाय में मत बांटो, दंगा रहने दो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको चंगा रहने दो। मेरे दोस्त, मेरे यार दोस्त, आपसे निवेदन यही कि मेरे छत पर केवल एक तिरंगा रहने दो, मेरे छत पर एक तिरंगा रहने दो। वहीं अयोध्या में सीताराम महाराज ने ओवैसी समेत राम विरोधियों के साथ साथ विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला है। देखिए, जिस प्रकार से ओवैसी गंदी कृत घिनौनी राजनीति कर रहा है, एक संप्रदाय, एक जाति, एक व्यक्ति विशेष का जो बात कर रहा है वह अत्यंत निंदनीय है। जिस प्रकार से आपने अभी कर्नाटक के सरकार सिद्धारमैया जी को आपने देखा कि 30 वर्षों के बाद जब
300 लोगों को अभियुक्त बनाकर के 2 लोगों को जेल भेजा गया है, वह भी अत्यंत घिनौनी कृत्य कर रहे हैं। 500 वर्षों के लंबी इंतजार के बाद, 5 लोगों के शहादत के बाद, 5 लाख लोग अपनी प्राण की आहुति देने के बाद, जब भगवान भव्य और राष्ट्र के सर्वोच्च मंदिर में भगवान का जब प्राण प्रतिष्ठा होना है, ऐसे सुलभ कार्य में जो अवरोध पैदा कर रहे हैं, घिनौनी कुकृत्य कर रहे हैं, उनको साधु समाज की ओर से, अयोध्या की ओर से हम लोग उसका पुरजोर विरोध करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, उसकी घिनौनी कुकृत्य को। और रही बात तेज प्रताप की, तेज प्रताप जो नौवीं फेल है, जिसके पिताजी ही चारा चोर हैं, जेल काट करके सजा काट रहे थे, उसके बाद जेल से निकले हैं, वो क्या रामराज की करेगा? जो राम के ऊपर, राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल खड़ा करने वाले ये जितने भी गठबंधन है, गठबंधन ही ठगबंधन है, इनकी अस्तित्व समाप्त हो चुकी है, इसका अब जो है जनाधार खत्म हो चुका है, इसलिए यह तुष्टिकरण की राजनीति करता है और वही कार्य कुकृत घिनौना का कृत करना चाह रहा है। अभी सासाराम में जहाँ दंगा हुआ, ये लोग दंगाई हैं, दंगा फैलाना चाहते हैं और आपस में द्वेष फैलाना चाहते हैं, विष घोलना चाहते हैं। मैं उन समस्त भारतीयों से अपील करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कुकृत घिनौनी राजनीति करने वाले से सावधान हो जाइए। ये फिर से वही चाहता है आप जैसे भारत में पूरा अमन है, चैन है, सुख है, शांति है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, जो मूल मंत्र चल रहा है प्रधानमंत्री जी का। और प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को आकर के उन्होंने जो अलौकिक कार्य करके गए, 50,000 करोड़ रुपयों की परियोजनाओं को उन्होंने जो है लोकार्पण करके गया, 46 परियोजनाओं को उन्होंने लोकार्पण किया, अब सबके नीचे से जमीन खिसक गया है, सभी का धरातल समाप्त हो चुका है, इसलिए ऐसे कुकृत घिनौना राजनीति करता है, उसके अयोध्या की ओर से, संत समाज की ओर से पुरजोर हम लोग निंदा करता हूँ। उधर कई मुस्लिम धर्म गुरु ओवैसी के बयान का समर्थन कर रहे हैं। मौलाना साजिद रशीदी तो ओवैसी के समर्थन में खड़े नजर आए, जनवापी पे चले गए, मथुरा पर चले गए, कभी ताजमहल पे चले जाते हैं। तो ये जो सारा मामला है, इसको लेकर मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सवाल ये है कि 2024 से पहले जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है राम मंदिर की, एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या मोदी जी एज ए प्राइम मिनिस्टर, उनको प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? हमारा संविधान तो सेकुलर है, हमने 92 को देखा है, अब हम दूसरी किसी मस्जिद के साथ 92 तो होने नहीं देंगे, ये तो फैक्ट है। क्योंकि मुसलमान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद खामोश रहा और अभी तक खामोश है, लेकिन अगर किसी तरीके से दोबारा 92 की तरह इस तरह की हरकत की गई तो मुसलमान भी चुप नहीं बैठेगा। हालांकि कांग्रेस ने भी राम मंदिर को लेकर ओवैसी के भड़काऊ बयान की निंदा की है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने तो ओवैसी की जमकर क्लास लगा डाली। ओवैसी साहब इस तरीके के बयान देते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को ताकत मिलती है। वो नौजवानों से क्या कह रहे हैं कि वो किस तरीके से मस्जिदों की हिफाजत करेंगे? क्या पुलिस से लड़ेंगे, फौज से लड़ेंगे, सरकार से लड़ेंगे? ये बयान भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए दिया गया, ना कि मस्जिदों की हिफाजत करने के लिए। सरकार से कहा जा सकता है कि आप मस्जिदों को प्रोटेक्ट कीजिए, मंदिरों को प्रोटेक्ट कीजिए, नौजवानों से कहने का क्या मतलब है? बता दें कि ओवैसी इससे पहले भी राम मंदिर को लेकर इस तरह के भड़काऊ बयान दे चुके हैं। फिलहाल राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले ओवैसी के इस भड़काऊ बयान से सियासी माहौल गरमाया हुआ है। टाइम्स नॉन ऑफ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।